हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज हम जो है देख पा रहे हो आप वीडियो में, जो मेरा थंबनेल है आपने देख ही लिया होगा, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम जो है पूरी डिजाइन बना चुके हैं। ये जो है ई रिक्शा का है, सस्पेंशन सिस्टम है, आप देख पा रहे हो। तो जो ये सस्पेंशन सिस्टम है, हम इसमें कितना लोड लगाएंगे, ये जो शॉक एब्जॉर्बर है वो कैसे काम करेंगे, कितना फोर्स में होगा, तो वो सारे चीजें जो है हम इस बार एनएक्स के नेक्स्टन पे करने वाला है। बेसिकली एफ ई एनालिसिस होगा। तो दरअसल हम जो एनालिसिस होंगे, हम इसकी डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्या पैरामेट्री होना चाहिए, फोर्स कितना लगाएंगे, क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो उन लोग के लिए है जो एनएक्स में थोड़ा एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, उन लोग के लिए है। तो सारा कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके करूंगा मैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, देख पा रहे हो आप, जैसे या सारा तरफ से मैं घुमा के दिखाता हूँ, सारा कुछ चीज़ इसमें मिल जाएंगे, आपकी क्लास वगैरह सब कुछ है ना, डेस्क वगैरह सब कुछ है, टेबल देख पा रहे हो, क्लास वगैरह सब है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो सारा कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सारा कुछ है, सब कुछ मिलेंगे आपको। बेसिकली एक जो बेयरिंग वगैरह सब कुछ है, बेसिकली जो एक सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिए, वीडियो को मजा आने वाला है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे, तो इसको मैंने बेसिकली सेव कर लिया। अब दोस्तों इसमें देखो मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या इसमें ऐड करना है, सारा चीज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे एप्लीकेशन में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे जाना है प्री पोस्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने प्री पोस्ट में जाऊंगा, सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखना है मुझे, जो देख पा रहे हो ये मेरा जो पार्ट है, पार्ट यहाँ पे आएंगे, और जो बॉडीज टू यूज ऑल विजिबल करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, मीडियम हाई रख सकते हो, पर इसमें क्या हो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होंगे, मतलब बेसिकली आपकी जो फाइल है ज्यादा हैवी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लाइसेंस यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करते हो तो आप फिर ऐसे ही करो, ठीक है। तो हम सॉल्वर जो है किससे सॉल्वर करोगे, सैमसंग से करोगे, सिमसेंटर से करोगे, ठीक है ना, एनसिस से करोगे, एपकास से करोगे, एल एस डायना, जो भी है, मैं एनएस की करूंगा जैसे यहाँ पे है। और जो मेरा एनालिसिस रहेंगे वो किसमें हम स्ट्रक्चरल करेंगे, क्योंकि ये थर्मल नहीं है, एक्सिस सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस मेट्रिक थर्मल भी नहीं है। एक्सिस सिमेट्री कहाँ पे आती है, जहाँ पे सिलेंडर वगैरह होती है, हम किसी एक्सिस के बाद जैसे रिवॉल्व वाली चीजें होती है ना, सिलेंडर वगैरह टाइप की होती है, वो हम एक्सिस सिमेट्री में करते हैं। अगर किसी को इस टॉपिक में थर्मल में भी चाहिए है ना, एकॉस्टिक में चाहिए, वो बोल सकता है, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रक्चर के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे मैं नन रखूंगा, कोई एक्सिस वगैरह लेके नहीं करूंगा पहले, तो इसको मैं अभी ओके कर दूंगा यहाँ। तो बेसिकली थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर फाइल आपकी हैवी होंगे तो टाइम लगता है, अगर मैं पूरी जो असेंबली है उसके साथ करता तो ये लगभग बहुत टाइम लग जाता है, और सिस्टम थोड़ा हैंग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सॉल्वर जो है हम सेम रहेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो है 10n स्टैटिक ग्लोबल कॉन्स्टेंट लेंगे, ठीक है, ग्लोबल लेना है आपको यहाँ पे। फाइल वगैरह सब सेम रखना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, बेसिकली नहीं करना है यहाँ पे मुझे। तो जैसे मैंने यहाँ पे करूंगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं देखूंगा यहाँ पे कौन सी क्या मेटल लेना है, क्या नहीं लेना है। तो जो स्प्रिंग होती है, मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या मेटल का आता है, क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सारा कुछ जो वीडियो है मैं लिंक में डाल दूंगा, आई बटन पे आप जाके वो देख सकते हो सारा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने एक सस्पेंशन वगैरह दिखाया था, जो मोल्ड डिजाइन के थे उसमें स्प्रिंग वगैरह लगाए थे, तो सारा कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया था, तो वो वाली वीडियो देख लो, सब कुछ आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे मेटेरियल पे जाऊंगा, है ना, तो एसेंट मेटेरियल पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे जो है चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, अगर मैं इंडिविजुअली करने लग जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएंगे, मतलब एनालिसिस होने में बहुत टाइम लग जाएंगे, और लास्ट में जाके रिजल्ट फेल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एसेंट मेटल में जाके सबको एक ही मेटल ले लूंगा, अगर आपको इंडिविजुअली लेना है तो आप ले सकते हो, इंडिविजुअली आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टील ले लूंगा। नेक्स्ट चीज मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, जो मेरा ये है मार्स सर्फेस है, ये भी बहुत काम आता है, एडवांस सर्विसिंग में आता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, बस इतना ही करना है आपको, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा, जो आपकी सर्फेस को डिवाइड कर देते हैं ना, वो आपके काम आता है मार्स सर्फेस में यहाँ पे, ठीक है ना, जो हम लोग फेस है इसको हम मास्क कर लेते हैं यहाँ। तो इस तरीके से ये बहुत काम करता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपकी जो कंपोनेंट है उसको थोड़ा स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो जैसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, जो मैंने ऑलरेडी रिवर्स इंजीनियरिंग का फिल्म वगैरह देखे हो, वो वहां पे ये वगैरह कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिकमेंडेड करता हूँ, ये कमांड आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया कमांड है, मैं बहुत यूज करता हूँ।
बेसिकली ये सब जो होती है मैं पेड क्लास वगैरह में बताता हूँ कैसे इसको करना है, क्या क्या करना सही है, मैं बेसिकली बताता हूँ। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में दिखाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस चीज़ को, नहीं तो ये क्या अलग अलग सर पे जनरेट हो जाएंगी और टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे ये, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा, देख लो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है मैं यहाँ पे मैं सेंटर पे नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि मैं इसको बाकी का कंपोनेंट को मैं डिलीट कर दिया हूँ और जो मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर से ये है, मतलब एक सर्टेन एंगल पे होता है। अब देखिए जब भी रिक्शा वगैरह की जो सस्पेंशन वगैरह होती है ना आगे की, ठीक है ना, वो एक सर्टेन शॉक एब्जॉर्बर वगैरह एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, सर्टेन एंगल पे होती है, इसीलिए मैं सेंटर से नहीं किया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने कर लिया है, अब देख लो कहीं पे कुछ है, यहाँ पे है तो हम इसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, जैसे घुमा के देख लेना, जैसे यहाँ पे भी है तो हम यहाँ पे भी इसको ठीक कर लेंगे, तो ये बहुत बढ़िया काम आने, आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो इसको, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आप लोग यूज़ कर लो, बस यहाँ पे कोई नहीं है और। ठीक है, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरफेस था तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वही, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है अब आप इसको कर सकते हो, मैं एक बार दोबारा से करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, तो ऊपर वाला अगर थोड़ा रह गया इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, तो बहुत बढ़िया कमांड है मैंने आपको बता दिया है इसमें। और अब आता है जैसे कि दो सरफेस को स्टिच करना है ना, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे ये बॉडी हो गई और ये बॉडी हो गई, दोनों को स्टिच करना है तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ज़्यादा ये कमांड होती है जो जैसे मैं स्प्लिट फेस हो गई, ये वाला अलग थोड़ा है, थोड़ा देख लो आप, स्प्लिट फेस बाई पॉइंट से करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम मार्स एस करते हैं, तो जब भी मैं एडवांस सर्फेस वगैरह कराता हूँ तो मैं ये सब करा देता हूँ। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हम आएंगे इसमें, हम लोग मेटल वगैरह ले लिए है, हम जो आप मैशिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैश कंट्रोलर से पहले मैं जाके यहाँ पे जो है मेरा मैश जो होगा 3D मैश होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 1D 2D OD मैं जो है 3D करूंगा, ये सॉलिड रहेंगे और यहाँ पे जो है मेरा पी सॉलिड रहेगा। और जो प्रॉपर्टी टाइप है किसमें लेना चाहते हो, तो मैं क्रिएट फिजिकल में जाके मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टील लूंगा, सबको सिलेक्ट कर सकते हो जो भी स्टील लेना है। ठीक है, ऑलरेडी है। और डिफिनेशन वगैरह एलिमेंट लेना चाहते हो, एब्सोल्यूट है, मैं एब्सोल्यूट करूंगा यहाँ पे, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रक्चरल है, जो भी चाहो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो है आती है सबसे पहले, हम उसके बाद करेंगे मेशिंग का काम करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में आप प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हो। ठीक है, हम वही रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, जो इसकी प्रॉपर्टीज है हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे, इसको मैन्युअली आप बना भी सकते हो अगर चाहो तो। फिर आते हैं हम मेशिंग पे, मेशिंग में बहुत सारी टाइप आते हैं दोस्तों। अगर मेशिंग के बारे में आपको पता नहीं है तो मेरा पुराना जो एनसिस का वीडियो है जहाँ पे मैं एनसिस में एनालाइज किया हूँ, वहाँ पे जाके आप मेशिंग देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेशिंग और यहाँ पे मेशिंग लगभग सेम ही है, बट जो मेशिंग प्रोसेस है सेम है बट तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो हम लोग का स्टैंडर्ड होता है, दो स्टैंडर्ड में होता है, पहला तो होता है फास्ट स्टैंडर्ड, जो फास्ट ऑर्डर होता है, दूसरा आता है आपके सेकंड ऑर्डर पे। तो बेसिकली फास्ट ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि लाइन होगी, ट्रायंगल होगी, क्वाड्रेंट होगी, हेक्सागन होगी, जो ये आता है फास्ट ऑर्डर में आती है। और जो सेकंड ऑर्डर आता है उसमें भी आती है आपकी, जैसे लाइन होगी, ट्रायंगल होगी, हेक्सागन होगी, क्वाड्रेंट होगी, तो इस तरीके से जो आती है वो सेकंड ऑर्डर पे आती है। वो हम 2D जो एनालिसिस है, हम फिर 3D एनालिसिस को अलग अलग पार्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी जो है कॉन्सेप्ट होती है सारा चीज की। इसमें मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं ना, किसी चीज की हम एनालिसिस करते हैं, उसमें भी आप डिफाइन करते हो कि आप कौन सी एनालिसिस कर सकते हो। बेसिकली हम जो है 3 एनालिसिस टाइप कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैकेनिकल करते हैं, फिजिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल जो होती है उसको भी करते हैं। ठीक है, बट हम जो है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हम लोग अगर एनालिसिस की टाइप्स की बात करें, हम बेसिकली दो टाइप का करते हैं, दो टाइप नहीं, हम लोग दो टाइप भी बोल सकते हैं बेसिकली। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है थर्मल, जो हम अभी कर रहे हैं स्ट्रक्चरल पे कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चरल की दो टाइप आती है, इसकी दो टाइप आती है, एक होता है स्टैटिक वाली, एक होता है डायनेमिक वाली। अब स्टैटिक में क्या होता है, जिसमें क्या होगी, एक फिक्स होगी, जो लोड होगा या जो भी होगा हम फिक्स होंगे। ठीक है, और डायनेमिक में क्या होंगी, डायनेमिक में चार पार्ट में डिवाइड करते हैं डायनेमिक को। जैसे अगर हम स्टैटिक में करते हैं ना, जैसे कि लिंक वगैरह की होडी होगी, जैसे कि 1D एनालिसिस लिंक होगी, पाइप होगी, बीम होगी, है ना, इसको हम क्या करते हैं 1D में भी कर सकते हैं। अगर हम 2D की बात करें, 3D एनालिसिस इसमें हम स्टैटिक में कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं डायनेमिक की,
तो डायनेमिक में क्या होता है, हम लोग की जो मॉडल होगी, हार्मोनिक होगी, टेंजेंट होगी, बकलिंग होगी, ये हम लोग का जो होता है डायनेमिक एनालिसिस में आती है। अब इसके बारे में अगर डिटेल में सही है, मेरा वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ एनसीएस के ऊपर, वो आपको जाकर देख सकते हो। और जहाँ पे थर्मल की बात करती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीन टाइप में हम करते हैं एनालिसिस। तो ये चीज हो जाती है इसमें आपकी, थोड़ा बेसिक में बता दिया आपको थोड़ा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ जो मैथ्स है, हम देखो यहाँ पे सर आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन सी उसमें थ्री डी मैथ सही है कि वो सही है। तो हम जो है यहाँ पे टेट्राहेड्रल करेंगे, ये वाला मैथ करेंगे, थ्री डी स्वीप ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादा मैशिंग क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी लाइसेंस के ऊपर, आप कौन सी वाली वर्जन यूज कर रहे हो उसकी लाइसेंस के ऊपर, जो आप परचेस करते हो ना उसके ऊपर बहुत बढ़िया से मैशिंग होता है, नहीं तो आपको अलग सॉफ्टवेयर में मैश करके फिर इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले टेट्राहेड्रल करूंगा, टू डी मैथ वगैरह या मैथ कंट्रोल पे कुछ नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैं सबको करूंगा यहाँ पे, तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरा जो ये यार एलिमेंट सही रहा 2.9 है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको सही हो, सही हो फिर से भी आप डाल सकते हो, मान लो मुझे 3 सही है, 4 सही है, जो भी सही है मैं आप डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं हम क्या लेंगे, सी टेट्रा लेंगे, 10 का लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट जो होगा 10 होगा मतलब इसकी। और जो मिड नोड रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, लीनियर वगैरह मत करो, मिक्स रहो सबसे बेस्ट है। जो जैकोबियन है हम लोग 10 ले लेंगे इसको, बाकी जो है मैं अपने हिसाब से ले लूंगा। यहाँ पे अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, आपकी सॉफ्टवेयर की क्या बोलते हो उसको, सिस्टम के ऊपर और सॉफ्टवेयर के ऊपर हिसाब से ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। बेसिकली क्लीनअप वगैरह करने के लिए मैथ सेटिंग ज्यादा बढ़ाओगे तो अच्छा वाला होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके कर दूंगा सिंपली। तो मैं इसको मैशिंग कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैच होने में थोड़ा टाइम लगेंगे, तो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो मेरा जो है मैच जो है हो गया है, तो इसको मैं एक बार पिन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो, ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मेरा मैचिंग हो गया है, बेसिकली मैच में इतना कुछ नहीं रहा। अब दोस्तों हम जब मैसिंग होगी, अब इसके ऊपर मुझे कॉन्स्टेंट लगाना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट कैसे लगाएंगे हम इसके ऊपर, तो मुझे कुछ ना कुछ एस में तो करना पड़ेगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या आएंगे, फिर जो है मैं इसमें एक्टिव सिमुलेशन कर दूंगा। एक्टिव सिमुलेशन करने से क्या होगा, अब जो है यहाँ पे जो है ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक्टिव करूंगा, तो यहाँ पे जैसे लोड वगैरह लगाने वाला वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट में जाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं, जैसे यहाँ पे मैं लगा सकते हो पिन कॉन्स्टेंट, जैसे मैं यहाँ पे है पिन कॉन्स्टेंट, तो कोई चीज जहाँ पे एक के साथ दूसरा चीज अटैच हो जाती है वहां पे आप पिन कॉन्स्टेंट बार लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि दो अलग अलग पार्ट नहीं है मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली फिक्स कॉन्स्टेंट यूज करूंगा। अब फिक्स कौन सी होंगे मेरा, जो मेरा ये होगा यहाँ पे, इस चीज को फिक्स हो जाएंगे, मतलब बेसिकली ये जो है मेरा फिक्स है यहाँ पे। तो मैं इसको जो है स्प्रिंग वाले का मैं इसको फिक्स कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगा, तो मैं इसको फिक्स कर दिया, तो ये जो है एज ए मेरा फिक्स कॉन्स्टेंट काम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोड टाइप में, कौन सी लोड लगाना है, एक्सीलरेशन लगाना है, फोर्स लगाना है, तो है ना क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर भी लगा सकते हैं, अप्लाई प्रेशर लोड, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, अगर आप प्रेशर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहाँ लगाऊंगा फोर्स, तो बेसिकली जो मेरा फोर्स जो जनरेट होंगे यहाँ पे मेरा क्या रहेंगे, वो जो मेरा थेसिस रहेंगे वो थेसिस का वो रहेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ लगा सकते हो, ये मेरा बियरिंग है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा लोड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन के लिए मैं इसकी फैक्टर ये सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरा जो है अभी कोऑर्डिनेट गलत है, तो मैं इस परपेंडिकुलर लोड लगेगा। और यहाँ पे देखो अब कितने लगा रहे हैं, अब आपके पास तो किलो का वैल्यू है, बट यहाँ पे न्यूटन में दे रखा है। अब न्यूटन जो केजी है ना, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बैठ लो, इसमें लोग 5 या 6 लोग बैठते हैं, सबकी एवरेज मान लेता हूँ मैं 80 किलो, और गाड़ी का वेट मान लो आपकी 1000 किलो का, ठीक मान लो आप जो आपकी गाड़ी है, एक साइड का लोड मान लो आप, ठीक है, 9.9 जो आपकी जो ग्रेविटी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, इसकी न्यूटन मिल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है 9.8 × अब मान लो 2000 किलो का आपने वो लगा दिया, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 जो है लोड लगाऊंगा। समझ गए कैसे लगाना है आपको, तो मैं 20,000 लगाऊंगा, डायरेक्शन में नीचे की तरफ रहेगा और इसको अप्लाई कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे जो है मेरा फोर्स लग गई। तो इस तरीके से आप फोर्स लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया तरीका क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स लग गया है। अब आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, मैंने यहाँ पे मैशिंग भी देख लिया, प्रॉपर्टीज वगैरह भी डाल दिया, यहाँ पे सब कुछ
सिमुलेशन टाइप में आप देख सकते हो, अगर आपको फेस टू फेस लगाना है, फेस टू ग्राइंडिंग लगाना है, उसमें आती है। रीजन में आप कैसे रीजन, कौन सी रीजन सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आपको रीजन मिल जाती है। सॉल्यूशन जो हमने पहले पहले सॉल्यूशन किया था वो सॉल्यूशन है, अभी हम जो है करेंगे इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको सॉल्व कर दूंगा, तो वो यहाँ पे सॉल्व डाटा जो आती है हम इसको अप्लाई कर देंगे। उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, काम ये है फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जब भी इसको करो पहले इसको फाइल को सेव कर लेना, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट डाटा नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा आपको, जो सारा जो है इन्फॉर्मेशन है अब यहाँ पे सॉल्व होंगे, सब कुछ आपको एक एक करके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या क्या हुआ, कितना क्या पैरामीटर है, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर हम इसकी जो है कैलकुलेशन तथा निकालेंगे। अभी देखो आपकी जो सॉल्यूशन मॉनिटर है वो इसमें आपकी टाइम लेंगे, और फिर इसको देख पा रहे हो यहाँ पे कितना नंबर है, कोर्स कितना आ रहा है, ठीक है, मैकेन कह रहा है मैथ कितना आ रहा है, पैरम कितना आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है। तो हम इसमें आपकी जो है सॉल्यूशन मॉनिटर में आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा पॉज कर लेता हूँ क्योंकि ये टाइम लगाएंगे, फिर हो रहा है। तो आप जैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी चीज का यहाँ पे मैं एनालिसिस कर सकते हो, और किसी को थोड़ा अगर एडवांस में सही है वो भी मैं डाल दूंगा, अगर रेस्पॉन्स सही मिलेंगे तो वीडियो में मैं थोड़ा डाल लूंगा, इसमें कॉन्टेंट बना लूंगा मैं, क्योंकि ओल्ड डिजाइन का मैंने ऑलरेडी बहुत कॉन्टेंट बना लिया है। अब जो है थोड़ा हम बनाएंगे, फिर जो है मैं इसके ऊपर बनाऊंगा आपकी जो आपकी डॉक्टरिंग होगी, HBSC होगी, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, अगर इसमें रिजल्ट वगैरह सही आएंगे, रेस्पॉन्स सही आएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ भी इसमें कर सकते हो आप, एनएक्स में कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको थोड़ा टाइम लगेंगे, हम इसको होने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ना इसमें सपोर्ट ऐड कर दिया। एक्चुअली सपोर्ट ऐड करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लीनियरली लग रहा है बट एट ए एंगल लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको सपोर्ट को जो है ऐड कर दिया। और मैंने जैसे सपोर्ट को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट कर दिया मैंने। क्यों फिक्स सपोर्ट कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे तो मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट कर दिया। तो फिक्स सपोर्ट इसलिए करना है कि यहाँ पे तो फिक्स रहेंगे और दोनों चीज जो है फिक्स रहेंगे, कोई फोर्स लगा रहे हो अगर यहाँ पे लोड लगा रहे हो तो इसको भी बैंड होने का चांस रहेंगे, मतलब यहाँ इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है मैंने इसको फिक्स सपोर्ट लगाया और यहाँ पे जो है मैंने फोर्स लगाया टॉप में। बेसिकली जहाँ पे इस एरिया में फोर्स होंगे तो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जितना भी लोड लगाएंगे। और बाकी चीज़ें के ऊपर हम देखेंगे, बेसिकली मुझे इन दोनों को ही देखना था जितना क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, जब आप एनालाइज करते हो ना तो आप जैसे यहाँ पे जाके जैसे हम इसको कर देंगे, तो सिमुलेशन करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी करोगे तो ये कर लेना, नहीं तो ये आपके रिजल्ट नॉट फाउंड मारेंगे, मतलब रिजल्ट मिलेंगे नहीं आपको। तो यहाँ पे जाके एडिट में जाके ये देख लो, एडिट में चले जाना, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पैरामेट्रिक में चले जाना, पैरामीटर में चले जाके तो ये जो है ना एडिट में चले जाना, ठीक है। एडिट में चले जाने के बाद आपको करना क्या है, देख लो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। और अगर मैं पूरी फाइल को ले आता ना तो ये बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कैलकुलेशन करने में 2-2.5 घंटे लग जाता है, क्योंकि ये हैवी हो जाता है फाइल। तो आपको नीचे जाना है, ठीक है, नीचे आना है आपको सबसे। अब जो देख पाओगे नीचे, सबसे नीचे जो आपकी ये आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला नहीं, मैंने गलती ओपन कर लिया, ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐसे ले आते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली हम देखेंगे इसमें कितना क्या फोर्स लग रहा है, कितना क्या लग रहा है। हम देखो ए से बी देखेंगे, ए से बी में जाएंगे मैं, उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो बॉयल आउट है इसको हमेशा माइनस में फिर लेना है आपको, ठीक है ना। तो माइनस मतलब 1 ले लो, माइनस 0.5 ले लो, मैं माइनस 1.1 ले लिया मैंने। फिर इसके बाद जो आपकी जो कैलकुलेशन करोगे फिर इसको सिमुलेट करते हैं हम नया से। एक बार मैं इसको रन कर दूंगा, अब देखो एक बार मैं नया से चलाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से जाके इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, 3-4 मिनट तक लगेंगे, आपको देख लेना एक बार, अगर ज़्यादा फाइल ज़्यादा हैवी होंगे। अगर मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, अपना अपना मेल आईडी डाल देना इसमें। जब भी इसको एनालाइज करोगे तो ये देखना कि आप ज़्यादा कंपोनेंट ऐड ना करो, अगर कंपोनेंट ज़्यादा ऐड करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन होगा ना उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होंगे। तो देखो इसमें क्या काम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हो, आप इसकी रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट कर सकते हो एनएक्स में, और बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया से कर सकते हो। बेसिकली मैं एनसिस में यूज़ करता हूँ, एनसिस एबाकस में चलाता हूँ, तो इसमें भी मुझे ठीक लगा, ठीक काफ़ी कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, देख लो एक बार ट्यूटोरियल को, ये आप देख पा रहे हो अभी जो है कैलकुलेशन हो रहा है। मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ क्योंकि ये इसमें टाइम लगेंगे थोड़ा।
जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन मैनेजर ऑन हो गया, सॉल्यूशन जो मॉनिटर है तो ये ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपके टाउन जो है कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डाउन होना चाहिए, दिखाता हूँ मैं कैसे होता है ये। और जैसे दोस्तों चल रहा है, मैं आपसे और एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे भी आप असेंबली करते हो ना, जैसे ये असेंबली पार्ट है तो ये अलग कंपोनेंट हो गई, ये बहुत सारा कंपोनेंट है, लगभग 12-15 इसमें कंपोनेंट है। तो इसकी ये अलग होगी, स्प्रिंग अलग होगी। तो जैसे ये करते हो ना, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट लगाना पड़ता है, मतलब इसको नहीं पता होता है, बेसिकली इसको जो है नहीं पता है कि क्या है एक्चुअल में है क्या। बट आप जब करते हो ना इसको, तब आपको लेना पड़ेगा इसके साथ ये टच कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट क्या है ना। तो इसके साथ ये मतलब रोटेट रोटेट में है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा। अगर बेयरिंग भी यूज कर रहे हो तो देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब में, कभी ऐसे असेंबली में आपको नहीं मिला होगा, कभी असेंबली में नहीं दिखाए होंगे, क्योंकि असेंबली में करना थोड़ा टफ है और टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो वीडियो को मैंने पॉज करके बनाया, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। तो बेसिकली देखो इसमें होता क्या है, जब भी बनाओगे असेंबली में अगर करते हो ना, तो इसमें अगर प्रॉपर लाइसेंस वगैरह भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट इतना आपको एक्यूरेट वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइसेंस में जो चीज़ होती है बिना लाइसेंस के वो चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको देखो, अभी ये कैलकुलेशन हो रहा है। आप लोग अपना अपना मेल आईडी दे देना, मैं उसको जो है शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ फाइल को, फिर आप इसको करके देखना एक बार देख के, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, पहले 2 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। जैसे देख रहे हो यहाँ पे सिमुलेशन कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको यस कर दूंगा, उसके बाद इसको क्रॉस कर दूंगा। और यहाँ पे अगर कोई एरर आता है ना, आपको एरर मिल जाएंगे यहाँ पे, तो फिर इस कहाँ पे लोकेशन क्या एरर आ रहा है वहाँ पे जाके आप ठीक कर सकते हो इसको। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। तो बेसिकली मेरा जो है रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दो आप, या राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो, ओपन करके भी आता है, राइट क्लिक करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे इसको ओपन करेंगे, हमको एक दूसरी विंडो में ले आएंगे। बेसिकली ये जो है हम लोग की क्या है, ये सिमुलेशन नेविगेटर, और ये जो है मेरा क्या है, पोस्ट प्रोसेसर नेविगेटर। तो अपने को पोस्ट प्रोसेसर में आना है जब भी इसको ओपन करोगे। तो हम फिर इसको ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में देखूंगा मेरा कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है मेरा कैसे हो रहा है, देख रहे हो आप किस तरीके से मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम इसको सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक पा रहे हो। अब देखो आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या, क्योंकि हम लोग का लोज जो है ना, एक ऐसे एंगल लग रहा है, और यहाँ पे जो है मुझे अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें देखा नहीं, क्योंकि मेरा एंगल जो है इस तरफ से होगा जब भी मेरा सब ऑब्जर्वर काम करेंगे। कोई इशू नहीं, आप देख लो किस तरीके से करना है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हो, कितना डिफॉर्मेशन डैमेज वगैरह कितना आ सकता है आप देख सकते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट नोजल क्या आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सब आप इसमें देख सकते हो। और दूसरी चीज इसमें हम लोग आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये होगी तो आपका रोटेशनल नोजल देखना है, तो आप रोटेशनल नोजल वगैरह भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोटेशनल नोजल वगैरह भी देख सकते हो। फिर हम लोग आते हैं स्ट्रेस एलिमेंट पे, हम आते हैं तो आप इसमें स्ट्रेस एलिमेंट वगैरह भी देख सकते हो। इसमें आपको कंट्रोल प्लॉट देखना है, या आपको मैं बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें, पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले जो देख रहे हो कहाँ पे ब्रेक होने का चांस है, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे चीजें को। तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन पोस्ट दिखा रहा हूँ, कहाँ पे रिएक्शन पोस्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली इन दोनों को कौन सा आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हिल जाएंगे फिर यहाँ से, ठीक है। रिएक्शन मोमेंट निकाल लेते हैं हम इसकी, आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। तो ये होगी आपकी सारी कहानी, कैसे आप निकालोगे, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अगर इसकी ग्राफ वगैरह निकाल सकते हो वो भी निकाल सकते हो आप, है ना। अगर इसी स्टेप को इसके एनिमेशन वीडियो वगैरह निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो सारा चीज़ें आपकी इसमें हो जाती है एनएक्स में, ठीक है। अगर इसको आपको रील में देखना है तो आप रील में भी देख सकते हो, इसको ओपन करके एनिमेशन वगैरह ऐसे भी देख सकते हो। आप कितने फ्रेम में देखना चाहते हो, डिले टाइमिंग वगैरह देखना चाहते हो, तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो सपोज मैं इसको 20 फ्रेम में देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 फ्रेम में, तो ये 20 फ्रेम में चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो कंटिन्यूसली। अगर इसकी मान लो आपकी फोटो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको गिफ्ट निकालना है, इसका गिफ्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट वगैरह फाइल नाम लिख दो, आपको गिफ्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप वो निकाल सकते हो सारा कुछ चीज़ें जो जो आपको इसमें चाहिए। और एक बार मैं आपको राव बता देता हूँ, जैसे ये स्मूथ हो गई, आपको अगर बैंडेड में देखना है तो आप बैंडेड में भी देख सकते हो। बैंडेड में बेसिकली क्या होगा,
अब देख लो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो बैंडेड वगैरह में करोगे तो आपके बैंडेडली दिखाएंगे, एक एक बार में बैंडेडली दिखाएंगे कहाँ पे कितना वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखाएंगे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर अगर आपको सही है, हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्यूब में। अगर आपको आईसीयू सर्फेस में देखना है तो आप आईसीयू सर्फेस में देख सकते हो किस तरीके से आईसीयू सर्फेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉपर्ली तरीके से, है ना। तो देख सकते हो ब्रेकेज होने, यहाँ पे ब्रेकेज होगा ही, मतलब जो आपको देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ें। अगर कंट्रोल प्लॉट में मिड कलर वगैरह में देखना है तो वहाँ पे भी देख सकते हो आप हर चीज़ें। तो बहुत सारा चीज़ है, एक बार आप उसको देख लेना सही तरीके से, आपको पता लग जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैश है, ये जो मैंने मैशिंग किया है कितना तरीके से बढ़िया से मैशिंग किया है, तो मैशिंग वगैरह भी आप कर सकते हो सही तरीके से, ठीक है। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी लोग है जो सीखने के लिए चाहता है, जिसको फ्री क्लासेस चाहिए वो वहाँ पे डायरेक्टली वो देख सकते हैं वीडियो। और जिसको भी पेड क्लास वगैरह लेना है वो डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत सारा ऑफर चल रहा है, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उसको पता होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेरे से जुड़ सकते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी इंडस्ट्री लेवल में हेल्प चाहिए तो वो मेरे से हेल्प ले सकता है। और तब तक इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लो, और कमेंट सेक्शन में अपना अपना ईमेल डाल लेना। जैसे मेरे यहाँ पे 20-25-30 कुछ जमा हो जाएंगे, मैं एक सर उसको फाइल को सेंड कर दूंगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, तब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।